का मिला। व्हाट्सएप से भी तो ज्ञान आ रहा है। हाँ व्हाट्सएप से भी आ रहा है। एक विपक्षी एकता की बात हो रही है, ये एक होके 2000, मैं रोज यही पूछता हूँ कि अगर ये एक हो जाएंगे तो 2024 का मुकाबला कुछ मजेदार होगा। नो नो नो, ये तो टोटल फ्रैक्शनल हो जाएगा। देयर इज लॉट ऑफ फ्रैक्शंस। कैसा कैसा अपोजिशन जिसको बोलते थे वो तो फ्रैक्शनल हो गई, कास्ट वाइज कर लीजिए या रीजनल पार्टी वाइज कर लीजिए, लॉट ऑफ फ्रैक्शंस देयर। तो अब तो मोर वन साइडेड होता चला जा रहा है टुवर्ड्स बीजेपी। इस बार बीजेपी का यूपी में क्या हाल है? सर बीजेपी का तो अच्छा ही होना चाहिए, राम मंदिर की जो विजय गाथा रही है। ठीक है, राम मंदिर उसके अलावा भी है, लेकिन मतलब शुरुआत तो वहीं से है। शाबाश। क्या है और उसके अलावा? उसके अलावा वहाँ का रोड का नेटवर्क देख लीजिए कितना अच्छा डेवलप हो गया है। कब हुआ कब? उसके अलावा वहाँ की प्रोग्रेस देख लीजिए। अच्छा, ये किताबों से जो मुगलों का निकाला गया है चैप्टर, कांग्रेस का भी, संघ का भी, इस पर भी कुछ विचार है आपका? गुड क्वेश्चन। बिल्कुल विचार है सर। अगर इसको हिस्टोरिकल उसमें देखा जाए तो वहां तक जाइए जहां ये पहली बार नाम पड़ा था। यही नहीं, अभी और सुनिए। कितने दिन बाद पड़ा था, कितने दिनों से लोग उसको झेल रहे थे उस, मतलब पीपल ऑफ इंडिया, मतलब रिलीजियस में बात नहीं कर रहा हूँ। क्या झेल रहे थे? कि ओरिजिनल नाम क्या था? कुछ भी। फिर किस फोर्स में आके उन्होंने नाम बदला, क्यों बदला, आवाज इनकी कैसे दबाई गई? अबे क्या बोल रहा है, पिलियल बोल, पिलियल बोल। किसकी? मतलब मान लीजिए किसी, यार हम ये पूछ रहे हैं, आप किताबों से ये निकाल दें कि ये नहीं पढ़ाए जाएंगे, ये नहीं पढ़ाए जाएंगे। हाँ। तो क्या वो इतिहास से वो चीजें मिट जाएंगी? पता नहीं, अपनी सहूलियत के हिसाब से। मैं मानता हूँ कि पहले भी अपनी सहूलियत के हिसाब से लिखा गया होगा जैसा कहा जा रहा है, लेकिन अगर आप इतिहास पढ़ोगे नहीं, इतिहास पढ़ोगे नहीं, और इतिहास अपने अपने तरीके से सब लोगों ने लिखा, अगर मेगस्थनीज और हेमंत सांग ने लिखा नहीं होता तो भारत के उस समय की काल परिस्थितियों का वर्णन उनसे अच्छा कौन करता? बात तो सही है। अब उन्होंने कैसा किया इसकी समीक्षा आप कर सकते हैं, लेकिन इतिहास तो पढ़ना जरूरी है भाई। नहीं सर, अगर हम दिल्ली की बात करें, अगर इसको इंद्रप्रस्थ बुलाना हम शुरू करना चाहें, हमें इजाजत मिलेगी? नहीं, नाम बदलने से कुछ होता है? कुछ नहीं होता भाई, मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर उस समय जब बदला होगा तो उन लोगों ने बड़े आसानी से तो इसको स्वीकार नहीं किया होगा। तुम्हें कैसे पता चला? ये तो ताकत जिसकी सत्ता तब और अब, तो अगर अब उस तरह ताकत जो होती है सत्ता तब और अब भी नाम बदला जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जिसके पास ताकत रहेगी वो नाम बदल लेगा। हाँ। फिर आने वाला आदमी कोई ताकतवर होगा वो फिर नाम बदल लेगा। लेकिन सर आज की सत्ता और आज की ताकत उस तरह से गवर्न नहीं हो रही है। आज आप छोटी सी पीआईएल लगाना चाहें किसी भी उसके खिलाफ में, किसी भी इसके विरोध में या पक्ष में, तो आप लगा सकते हैं। भाई हमें ये मंजूर नहीं है, पूछेंगे क्या कारण है। पीआईएल कब से लगना शुरू हुई और किसके काल में हुई इसके बारे में कुछ मालूम है? उसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन इतने दिनों से तो आपको ये नहीं मालूम है कि पीआईएल किसके शासन में शुरू हुआ, कौन उस समय चीफ जस्टिस था, तो जिसने शुरू किया जिसके शासन में वो बड़ा है, या आज आप पीआईएल दाखिल कर ले रहे हैं? शासन नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। की बात नहीं, पीआईएल दाखिल हुआ जब 47 के बाद ही हुआ होगा ना? नहीं, उसके बहुत बाद में। 47 के बाद ही हुआ। छोड़िए हिस्ट्री की बात, छोड़िए, अभी आप आ जाइए उसमें। ठीक है, मुश्किल ये है कि अब आजकल जब से ये सोशल मीडिया आया है तब से हर आदमी इतिहास भी, भूगोल भी, अर्थशास्त्र भी, विदेश नीति भी, रक्षा भी, हर मामलों पर वो बात करने में सक्षम हो गया। सर गूगल के माध्यम से, व्हाट्सएप से भी, मतलब सर्चिंग तो गूगल से ही होती, जो चीज हम नहीं भी जानते थे, जो हम शायद नहीं पढ़ने का मौका मिला, व्हाट्सएप से भी तो ज्ञान आ रहा है। हाँ, व्हाट्सएप से भी आ रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अच्छा एक बात बताइए, जितना ज्ञान आपको स्कूली और कॉलेज की शिक्षा में नहीं मिला, उससे ज्यादा ज्ञान आपको सोशल मीडिया के आने के बाद मिला, ऐसा आप महसूस करते हैं? मैं नहीं बताऊंगा। हाँ ऐसा तो महसूस करता हूँ सर।